प्रोग्राम के तहत डिजिटल लॉकर सुविधा को भी आम लोगों के सामने रखा गया है। ये ई लॉकर लोगों की जिंदगी को न सिर्फ आसान बना देगा बल्कि इससे बड़ी मात्रा में कागज की बचत होगी। इस सुविधा से जुड़ने के बाद आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स जैसे बेहद अहम दस्तावेज पर सुरक्षित रूप से कहीं से भी पहुंच बना पाएंगे और जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह जमा कर पाएंगे। ऐसा कितनी बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी अहम काम के लिए सरकारी ऑफिस में हैं लेकिन किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज के ना हो पाने की वजह से आपका वो काम वहीं पर रुक गया है। क्या हो अगर ऐसा डिजिटल लॉकर आपके पास हो जिस लॉकर में आप अपने तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज रख पाएँ और जब चाहें तब उन दस्तावेज़ों को एक्सेस कर पाएँ, उन तक पहुँच बना पाएँ और उनको संबंधित विभाग तक पहुँचा पाएँ। जी हाँ, इसी समस्या का समाधान है डिजी लॉकर। हम आपको डिजी लॉकर के बारे में बताने वाले हैं किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से आप इसमें अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संजो कर रख सकते हैं और संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं। ये भारत सरकार की पहल है डिजी लॉकर। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर में आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संजो कर रख सकते हैं और उनको आप कभी भी किसी को भी उपलब्ध करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें क्या नई बात है, मैं अपने तमाम दस्तावेज़ों की सॉफ्ट कॉपी रखता हूँ जीमेल में या अपने दूसरे ईमेल अकाउंट में और जब कभी भी ज़रूरत होती है मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन ख़ास बात यह है, इस लॉकर में रखा गया आपका दस्तावेज़ एक तरह से सत्यापित होगा। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। जाहिर तौर पर डिजिटल लॉकर से कागजी काम काफी कम हो जाएगा। इससे सरकारी विभागों और एजेंसियों में सहूलियत होगी, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। डिजी लॉकर आपको ये सुविधाएं देगा। आप यहां विभिन्न विभागों द्वारा जारी दस्तावेज देख सकते हैं, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज देख सकते हैं, अपने दस्तावेज सीधे साझा कर सकते हैं। जहां तक दस्तावेज स्टोर करने की क्षमता की बात है तो फिलहाल यहां 10 MB तक के दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। इस सुविधा से आम लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपना अपना डिजिटल लॉकर खोल चुके हैं और 2.5 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज अपलोड कर चुके हैं। अब सवाल है यहाँ स्टोर दस्तावेजों की सुरक्षा का। तो हम आपको बताते हैं कि डिजिटल लॉकर वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है जो आपका बैंक करता है, यानी यहाँ पड़े दस्तावेज आपके बैंक में पड़े पैसे जितने ही सुरक्षित माने जाएं तो गलत नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो ये सुविधा न सिर्फ आपको सभी दस्तावेजों तक पहुँच हर वक्त देती है बल्कि सरकारी विभागों द्वारा इसका इस्तेमाल काफी कारगर भी लगता है। राहुल गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये सुविधाएं मिलेंगी।